घुमारवी विधायक राजेश धर्मनी ने आज मंगलवार को सिविल हॉस्पिटल घुमारवी का औचक निरीक्षण किया तथा करीब एक घंटा सिविल हॉस्पिटल परिसर व भवन में रहे। इस अवसर पर उन्होंने न केवल भवन के बारे में जानकारी जुटाई बल्कि वो वहां उपस्थित स्टाफ डॉक्टर व तीमारदारों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हैरानी व्यक्त की, सिविल हॉस्पिटल घुमारवी में 100 बिस्तर मौजूद हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें मात्र 6 मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि 10 डॉक्टर भी यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां हॉस्पिटल का आज दौरा किया और कुछ यहां पार्किंग की समस्या है, उसको सुलझाने का जो है वो उसका एस्टिमेट वगैरह बनाने के लिए PWD को कहा है, और जो हमारा OPD ब्लॉक है इसमें लिफ्ट लगाने की जरूरत है। जो बिल्डिंग में प्रोविज़न रखना था वो तो रखा है लेकिन लिफ्ट नहीं लगी है, उसको आने वाले समय में देखेंगे। तीसरा, हमारे जो यहाँ आईस की एक मशीन है, रोबोटिक मशीन, उसके लिए भी हमने उसके पोटेशियम वगैरह का प्रबंध करने के लिए कहा है, और देखेंगे कि बेहतर तरीके से, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है उसमें पेशेंट्स को सुविधाजनक है, स्टाफ के लिए भी सुविधाजनक रहता है, उसका नंबर वगैरह और एक्यूरेसी अच्छी है उसकी। और कुछ हमने हॉस्पिटल में जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत है, कई जगह दिक्कतें हैं, उनको ठीक करने के लिए कहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए रेजिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं है, तो उसके लिए अभी हमने ये देखा कि साथ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अभी केस यहाँ से भेजेंगे, ताकि जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है उसको हॉस्पिटल के नज़दीक बना सके।